आज मैं बहुत उदास था, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी मैं वो इम्तिहान पास नहीं कर सका। और वो इम्तिहान ही मेरी जिंदगी की रोशनी था। यदि मैं उसे पास कर लेता तो मेरे पास एक अच्छी नौकरी होती, पर ये इम्तिहान का सारा मौका मैं गंवा चुका था। मुझे जिंदगी अंधेरी सी लग रही थी, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था, क्योंकि मेरे हाथ से बाजी निकल चुकी थी। मैंने सारे अवसर गंवा दिए थे। मैं आज दुखी उनके पास बैठा था और अपनी राम कहानी उन्हें सुना रहा था। मेरी दुखी आवाज और मेरी निराशा को भांप कर उन्होंने बीच में मुझे रोक कर मुझसे कुछ कहना शुरू किया। उन्होंने कहा, प्यारे दोस्त, ऐसी मायूसी ठीक नहीं। जिंदगी एक इम्तिहान का नाम नहीं है, जिंदगी लगातार बढ़ने का नाम है। इस इम्तिहान में यदि कामयाबी नहीं मिली तो और भी रास्ते हैं। तुमने कभी दीवार पर टंगी बड़ी सी घड़ी को देखा है? घड़ी का सेकंड वाला कांटा घूम रहा है, उसके साथ के जो दो बड़े कांटे मिनट और घंटे के हैं वे भी घूम रहे हैं, लेकिन उनकी सुस्त चाल एक बार में नहीं दिखती। लेकिन सेकंड का कांटा गोल घूम रहा है, हर नंबर को पार करता बढ़ता जा रहा है। वो घूम रहा है बढ़ते क्रम में, वो मानो बता रहा है कि मुझे वापस लाना मुमकिन नहीं। मैं वही घूम रहा हूँ पर लगातार बढ़ रहा हूँ। मैं वक्त की पहचान हूँ, वक्त कभी नहीं रुकता, वो बढ़ता ही जाता है, और इसके ठीक उलट जिंदगी घटती जाती है। समय मानो इन कांटों के जरिए हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा है, और आपके पास उसे रोकने की ताकत नहीं है। घड़ी और जिंदगी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। मैं बड़े सवालिया निशान से उनकी ओर देखने लगा, फिर वे मुस्कुराते हुए मुझे समझाने लगे, देखो घड़ी और जिंदगी दोनों के एक दूसरे के बराबरी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि एक बढ़ती जाती है और दूसरी घटती जाती है। मेरा मतलब यह है कि घड़ी लगातार बढ़ती जाती है, समय लगातार बढ़ता जाता है, और जिंदगी घटती जाती है, और इन दोनों को वश में करना किसी के वश की बात नहीं। इन दोनों की चाल को सिर्फ देखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। फिर तुम क्यों फिक्र करते हो कि कामयाबी या नाकामयाबी तुम्हारे हाथ में है? लेकिन तुम जब तक हो तब तक कर्म का बंधन भी है, जो तुम्हारी चाल और उनकी चाल के बीच कुछ करने का मौका देता है। तुम इन दोनों को नकार कर अपनी इच्छा शक्ति से कुछ बनाना चाहते हो। तुम इन दोनों की चाल को समझना चाहते हो, और तब तुम अपने कदमों के निशान छोड़ जाते हो। आने वाले नन्हे कदम कल के आगत का आकलन कर नई राह बनाते हैं। वक्त है जो तुम्हारे घटने का एहसास नहीं होने देता, वो तुमको नित नए तमाशे में उलझाए रखता है। तुम इस तमाशे और उलझन में मस्त रहना चाहते हो, तुम दोनों को भूल कर जीना चाहते हो, तुम सुखद छाँव में भरपूर सोना चाहते हो, तुम अपनी नींद में जरा भी खलल पसंद नहीं करते। पर सब तरफ खामोशी के साथ घड़ी टिक टिक का शोर करती बढ़ती जाती है, और पूरे साहस से कहती है कि तुम मुझे नकार नहीं सकते, मैं आगे बढ़ता हुआ वक्त हूँ जो कभी लौटता नहीं। मेरे दोस्त, तुम वक्त को पहचानो और कभी मायूस ना हो। वक्त बहुत बड़ा जादूगर है, वो एक राह बंद करता है तो दूसरी राह खोल देता है। कभी किसी एक बात से खुद को उदास न करो, मायूस ना हो। मैं उनकी बातें सुनता रहा, वो मेरे दोस्त थे, बहुत प्यारे दोस्त। मैंने उन्हें गले लगाकर कहा, क्या बात कही मेरे दोस्त, आज मैं तुम्हारी बातें सुनकर अपनी उदासी भूल गया। मैं उसके गले मिलकर उसका लाख लाख शुक्रिया करने लगा। उसने मुझे एक बड़े नज़रिए से जिंदगी को देखने की आंखें दी। सचमुच जिंदगी में तथ्यों से बड़े नज़रिए होते हैं। जिंदगी को बेहतर नज़रिए से यदि देखा जाए तो जिंदगी बहुत खुशनुमा हो जाती है। जिंदगी में छोटी छोटी परेशानियाँ, मुसीबतें और लोगों का व्यवहार मायने नहीं रखता, क्योंकि जब हम जिंदगी को देखते हैं बड़े नज़रिए से तो जिंदगी अपने आप एक खुशनुमा अंदाज बन जाती है, और हर पल, हर वक्त, हर व्यक्ति खेल में शामिल खिलाड़ी की तरह लगता है। वाकई जिंदगी को एक खिलाड़ी की तरह ही देखना चाहिए, और किसी तरह की दुविधा से दूर विश्वास को अपना दोस्त बनाना चाहिए। विश्वास को कभी अपने से अलग नहीं करना चाहिए, विश्वास ही जिंदगी को बेहतर बनाता है।
किसी फकीर ने बहुत अच्छी बात कही, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए ते शाहन के शाह। उम्मीद है दोस्तों मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारी मातृभाषा हिंदी को और हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए मेरी कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।